ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों की वजह से प्रशासन और पुलिस को समय और संसाधन बर्बाद करने पड़ते हैं। इसके अलावा आम जनता को भी बार बार हो रहे चुनावों के कारण परेशान होना पड़ता है। इसके आगे सिंधिया ने पीएम मोदी को धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि यह निर्णय देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि जैसे महिलाओं के आरक्षण का बिल संसद में पारित हुआ था, ठीक उसी तरह यह कदम भी भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे कहा कि जो भी इस कदम के विरोध बोलेगा वह देश हित नहीं चाहता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा, जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की भी समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ।